नमस्कार, आज के कम्युनिज्म कॉम्बैट और हिलेली टीवी के इंटरव्यू में हमारे खास मेहमान हैं श्री संजीव दयाल, महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं महाराष्ट्र के। संजीव दयाल जी नमस्कार। नमस्कार। 38 साल के आपके अनुभव के अनुसार आज सबसे बड़ी चुनौती भारतीय पुलिस के लिए क्या है? आज देश के लिए, हमारी स्टेट के लिए सबसे बड़ी अगर चुनौती कोई है तो वो है दहशतवाद। दहशतवाद एक ऐसे उभर कर आया है और हमारी स्टेट ने, हमारी सिटी ने कई ऐसे दहशतवादी हमलों के सामने गए हैं, मुकाबला करा है, देखा है, तो ज़रूर आज दहशतवाद देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन उसके साथ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर आ रहा है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भी बहुत बड़ी एक चुनौती खड़ी ज़रूर रहेगा? ऑलरेडी हम 40 साल से ऊपर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला कर रहे हैं और मेरे को लगता है कि आने वाले कुछ सालों तक हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा। पेशावर के जो बच्चों के ऊपर हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद और अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसके बाद हमारे लिए क्या क्या समस्याएं खड़ी हो सकती हैं? पेशावर हमले ने हमें ये ज़रूर दिखाया है, उससे ये साफ है कि दहशतवादी किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। उनके क्रूर, जिस क्रूरता से और बर्बरता से यंग बच्चों का जिंदगियों को ख़त्म किया गया, उससे दहशतवाद का एक नया चेहरा ज़रूर हमारे सामने आया है और इस नई बर्बरता का हमें मुकाबला करना होगा।